हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास एट्थ का टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्यूब्स। ठीक है, क्लास एट्थ में एक चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्यूब्स पर सिर्फ। ठीक है, तो क्यूब्स होता क्या है? क्यूब्स होता है कि किसी भी नंबर की उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय इट्सेल्फ 3 टाइम्स। किसी भी नंबर का उसी नंबर से 3 बार प्रोडक्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूब। जैसे एक नंबर मैंने एक्स लिया, ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई 3 बार कर दीजिए, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूब ऑफ एक्स। क्यूब ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा? एक्स की पावर 3। ठीक है, मतलब एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो एक्स की पावर 3 आया। ये क्या हो गया हमारा? क्यूब ऑफ एक्स। क्या बोला जाएगा इसको? क्यूब ऑफ एक्स। क्लियर। ऐसे ही कोई नंबर 2 लिया हमने, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर मल्टीप्लाई 2 से, तो मतलब 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है अपने आप से। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? 2 की पावर 3, मतलब क्यूब ऑफ 2, इसे बोला जाएगा क्यूब ऑफ 2। क्लियर। तो अब इनके आंसर्स क्या होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब ऑफ 1 निकालना चाहता हूँ, तो क्यूब ऑफ 1 का मतलब है 1 to the power 3, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 का क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 की 1 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही अगर 2 का क्यूब निकालेंगे आप, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आ गया आंसर। ऐसे ही अगर आप 3 to the power 3, मतलब 3 का क्यूब निकालते हैं, क्यूब ऑफ 3, तो क्यूब ऑफ 3 क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि आंसर कितना आया? 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 2 इज 8। ठीक है, क्यूब ऑफ 1 इज 1, तो इस तरीके से हमने क्यूब निकाल लिए अपने। ठीक है, ऐसे ही क्यूब ऑफ 4 निकालते हैं, 4 to the power 3 लिखेंगे, तो क्यूब ऑफ 4 क्या होगा? 4 into 4 into 4। ठीक है, कितना आएगा? 4 into 4 into 4। अब 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना आएगा? 64, तो आंसर आया 64, तो क्यूब ऑफ 4 इज 64। ठीक है, ऐसे ही क्यूब ऑफ 5 निकालते हैं आप, तो क्यूब ऑफ 5 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125। ऐसे ही अगर क्यूब ऑफ 6 निकाला जाए, तो 6 to the power 3, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो इसी तरीके से हम 10 तक की नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर 3 टाइम्स। ठीक है, उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तरीके से डेफिनेशन ऑफ क्यूब क्या बन गई? क्यूब क्या कहते हैं? क्यूब में क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इट्सेल्फ 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय द नंबर इट्सेल्फ, मल्टीप्लाई बाय द नंबर इट्सेल्फ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, किसी भी नंबर की उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। तो x to the power 3 मीन्स क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन, उसके बाद ये आप नोट करेंगे, और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जो कि मैंने ये एग्जाम्पल्स नोट कराए हैं आपको। ठीक है, तो ये हमने इस टॉपिक में अभी क्या सीखा है? सिर्फ क्यूब के बारे में जाना, क्यूब क्या होता है।
अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब की कि इवन नंबर का कोई भी इवन नंबर है उसका आप क्यूब निकालते हैं तो इवन नंबर ही होता है, ठीक है? तो क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर, ठीक है, कोई भी इवन नंबर है उसका क्यूब निकाल लें, इज इवन, इवन नंबर का क्यूब क्या आएगा? इवन नंबर। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी ये है, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं तो ऑड नंबर ही आंसर आता है। तो हम ये कह सकते हैं क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही रहता है, ठीक है? ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब कर रहे हैं आप तो इज वो क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है? तो तीन प्रॉपर्टी हो गई कि ऑड नंबर का, सॉरी, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर, और नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर। जैसे पहले वाले को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, सपोज कीजिए 4 एक इवन नंबर है, ठीक है? 4 का क्यूब निकाल लें, क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 × 4 × 4, क्या आएगा आंसर? 64। 64 क्या है? 64 इज इवन, 64 भी एक इवन नंबर है, क्लियर? ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पे क्या देखा? इवन का क्यूब क्या आ रहा है? इवन नंबर। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ओड नंबर ले लेते हैं, तो ओड नंबर जैसे मैंने सपोज करो 3 लिखा, तो 3 का क्यूब निकालेंगे, क्या आएगा? 3 × 3 × 3 कितना आएगा? 27। तो 27 कैसी नंबर आप बताइए? 27 है ओड नंबर, तो ओड नंबर का क्यूब क्या आया? ओड नंबर का क्यूब आया ओड नंबर, क्लियर? अब नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं तीसरा वाला, ठीक है? कोई भी नेगेटिव नंबर उसका क्यूब करते हैं, तो नेगेटिव नंबर सपोज करो मैंने ले लिया -2, तो -2 का क्यूब कर रहा हूं मैं, तो क्या करूंगा? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है? -2 -2 -2 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये तो 8 आया, ठीक है? अब आप देखेंगे माइनस की, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अगेन प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। एक बार फिर सुन लीजिए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आएगा, और जो प्लस आया उसकी मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, ठीक है? तो ये -8 आंसर आया, -8 मतलब निगेटिव नंबर, तो ये हमारी कौन सी नंबर है? ये है निगेटिव नंबर, क्लियर? तो मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव होता है, ओड नंबर का क्यूब ओड, इवन नंबर का क्यूब इवेन होता है, क्लियर? ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, 1 2 3। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे फ्रैक्शन में लिखी हुई है नंबर, रेशनल नंबर में, सपोज करो ए अपॉन बी की फॉर्म में, ए अपॉन बी, ठीक है, इसका क्यूब कर रहे हैं आप, ए अपॉन बी का क्यूब, तो क्या करेंगे? इसको अलग अलग लिख देंगे, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का होल क्यूब क्या लिखा जाएगा? ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, जैसे 1/2 का क्यूब, तो 1³/2, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा सब कुछ, आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी ये हमने थोड़ा सा बेसिक्स लिया था,
ठीक है, बेसिक समझाया है। बाकी जो क्वेश्चंस पर चर्चा की जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।